आज कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गोली चलते ही हमने सब खिड़की की वार बंद कर लिए। ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दो। जी साहब। इधर आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, यहाँ जो हुआ मुझे इन लोगों से पता चल गया, आपसे एक और बात करनी। पुलिस को गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो एक ने एक दिन आपको मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बता सकते हैं आप गब्बर सिंह के बारे में? जी नहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। शुक्रिया ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। लेकिन पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा। वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपए आप वापस ले लीजिए। ठाकुर, गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी की। कहो गिरिजा, क्या खबर लाए हो? ठाकुर, पिपरी गांव से दो कोस पे बंजारे आके रुके हैं, हीरा और उसके साथी भी हैं। ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है। एक दो दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है। क्या हुआ इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, गोली बाजू रगड़ कर निकल गई है और जख्मी मामूली है। ठाकुर साहब, गोला बारूद तो हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन गब्बर बच कर निकल गया। कोई बात नहीं यार, फिर कभी सही। दवा समझ कर दो घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप राम राम। इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए। जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते। जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था। इधर है। वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। आ गई बक्कन। वो हुआ ऐसा,
कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे। इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल। आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला क्योंकि। अच्छा अच्छा, आप जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं, तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल जनाब, भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई है, तनख्वाह 200 रुपए हो गई है, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें। अहमद मियाँ को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका मुकैतुल्ला जी। आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दें, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूँ की ये तो वही मिसाल हो गई। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। ए मियाँ, मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी, कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मीरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धनों क्या टांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिवजी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसे तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले चार सोमवार और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बात हो जारी मारता है। चुप रहो कन्या। है बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी, हमारी आज्ञा है कि जाओ
और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठ कर रमा धुनी, बसंती चलिए अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। जय।